Good morning, students. Welcome to online classes conducted by St. James Holland College. This is the video of class 2, subject EVS, chapter number 10. The name of the chapter is the food we eat. Today we will complete the book exercise. आज हम book exercise complete करेंगे, ठीक है? Page number 41 in your book. You have to complete the book exercise in this page. इसको आपको बुक में ही फिल करना है, ये वर्क आपको नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ए, आंसर दीज। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है? नेम थ्री थिंग्स मेड ऑफ फ्लोर। कोई भी तीन चीजों का नाम बताइए जो कि फ्लोर से बनता है, मतलब फ्लोर मीन्स आटे से बनता है, ठीक है? क्या क्या है वो? रोटी, ब्रेड, केक्स, ओके। आप एक भी लिख सकते हैं, कई, इसमें तीन चीजें पूछे गए हैं, तो आपको तीन चीजें कोई भी लिखना है, रोटी, ब्रेड एंड केक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर, यॉगर्ट, बटर एंड चीज मेड ऑफ। यॉगर्ट एंड बटर चीज किस चीज से बना हुआ है? दीज आर मेड बाय द मिल्क। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट टाइप ऑफ फूड गिव्स अस एनर्जी। कौन सी फूड हमें एनर्जी देता है, या विच फूड आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड, दैट इज राइस, शुगर, बटर, घी एक्सेट्रा। और भी आप लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे तीन चार लिखा है। देन क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट काइंड ऑफ फूड हेल्प अस टू ग्रो। किस टाइप के फूड हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है? दैट इज पल्सेस, मिल्क, एग, फिश, मीट एक्सेट्रा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है, दोनों साइड में अलग अलग चीजें लिखे हैं, तो आपको जो सेम रिलेटेड चीजें हैं उसको आपको मैचिंग करना है। फर्स्ट इज दाल, पीस एंड बीन्स। दाल, पीस एंड बीन्स, व्हीट एंड राइस, कैरेट एंड रेडिस, प्लांट्स व्हिच गिव्स अस फूड, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। On the other side, the words are cereals, crops, fruits, root vegetables and pulses. ठीक है, यहाँ पे दिया है दाल, पीस और बीन्स, ये क्या है? These are the pulses, ठीक है? ये सारे दाल पल्सेस। नेक्स्ट, wheat and rice, wheat and rice क्या है? These are the crops, ठीक है? wheat and rice are the cereals. ये क्या है? सीरियल्स है। नेक्स्ट वन, कैरेट एंड रेडिस। कैरेट रेडिस क्या है? दीज आर द रूट वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल हमें रूट पार्ट से मिलता है, प्लांट के रूट पार्ट से मिलता है। देन प्लांट्स व्हिच गिव्स अस फूड, द प्लांट्स गिव्स अस फूड, जो प्लांट्स हमें फूड देते हैं उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड क्रॉप्स। देन एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज, दीज आर फ्रूट्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, राइट ई फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको इसमें क्या करना है? जो सही स्टेटमेंट है वहां पे ट्रू का यूज करना है, जहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट है वहां पे आपको फॉल्स लिखना है। पीपल फिश मीट एग्स आर नॉन वेजिटेरियन। जो पीपल फिश मीट और एग खाते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है, दैट इज ट्रू। देन जैम एंड जूसेस आर मेड फ्रॉम द सीरियल्स। जैम एंड जूसेस आर मेड फ्रॉम द सीरियल्स, क्या ये सीरियल से बनता है? नो, बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम फ्रूट्स, वो फ्रूट से बनता है, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन मिल्क इज गुड फॉर बोन्स एंड टीथ। मिल्क हमारे बोन्स और टीथ के लिए अच्छा है, क्योंकि दे मेक आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, दैट इज ट्रू।
raw and brown to color this squeezy food before eating. यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ पिक्चर्स आपके बुक में दिया हुआ है, ये देखिए पेज नंबर 42. यूज ग्रीन कलर द थिंग्स वी ईट रॉ, जो फ्रूट्स इसमें या जो चीजें हम लोग रॉ कच्चा खाते हैं या कच्चा खाने में यूज करते हैं उसका आपको ग्रीन कलर करना है. एंड ब्राउन इन कलर विच यू कुक बिफोर ईटिंग, और जो चीजें हम खाने से पहले उसको कुक करते हैं या कुक करके खाते हैं उसको आपको ब्राउन कलर करना है. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू कंप्लीट इन योर बुक. नाउ द बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10 हैव कंप्लीटेड, यू हैव टू कंप्लीट इन योर बुक.